आपको क्या लगता है, क्या किसी घर के साथ किसी मरे हुए की आत्मा जुड़ सकती है? क्या किसी घर से किसी आत्मा का ऐसा रिश्ता हो सकता है कि मरने के बाद भी उस आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती हो और वो काम करती हो जो वो जिंदा होते हुए करता था? क्या आप इस पर यकीन करते हैं? अगर करते हैं तो आज का एपिसोड मैं आपके लिए इसीलिए लेकर आया हूं, और आज की हमारी कहानी इतनी डरावनी और खौफनाक है कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या मरने के बाद हमारे रिश्तेदार वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा वो जिंदा होते हुए करते थे। हमारी यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जिसे शेयर किया है हरियाणा से नीरज जी ने। नीरज जी अंबाला शहर में रहते हैं और 2 साल पहले उनके साथ ऐसी डरावनी घटना हुई थी जिसे याद करके वो आज भी डर जाते हैं। लगभग 10 साल पहले उनका परिवार एक छोटे से गांव से निकलकर अंबाला शहर में शिफ्ट हुआ था। उनके पिताजी, उनकी माताजी और नीरज तीनों लोग वहां पर रहा करते थे, लेकिन उनके दादाजी जो अब भी उसी गांव में रहते थे, नीरज के पिताजी ने कई बार कहा था उन्हें कि शहर में आ जाओ, यहां पर सभी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उनके दादाजी गांव में ही रहना चाहते थे। होते हैं ना कई बुजुर्ग जिन्हें गांव ही पसंद होता है, उन्हें शहर की चहल पहल, इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती और उनकी जवानी उसी गांव में बीती होती है, इसलिए वो चाहते हैं कि गांव में ही रहना है। भले ही मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन मैं इसी मिट्टी में मरना चाहूंगा, मैं शहर जाकर भीड़ भाड़ में अपनी जवानी के दिनों को भुला कर नई जिंदगी नहीं जीना चाहता, जैसी कटी है उस गांव में वैसी ही और काटना चाहता हूं। 10 साल पहले नीरज का पूरा परिवार तो अंबाला आ गया था, उनके दादाजी अब भी वहीं पर रहना चाहते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी सेहत ज्यादा खराब होने लगी थी। कभी कभी उन्हें शहर लाया जाता, अस्पताल में भर्ती करवाया जाता, लेकिन जब वो ठीक हो जाते दोबारा वो उसी गांव में चले जाते। नीरज के पिताजी ने हर कोशिश करके देख ली थी कि वो यहां पर रह लें, लेकिन उनके दादाजी मान ही नहीं रहे थे, तो वो भी कहते कि अब इनकी सेहत खराब रहने लगी है तो इन्हें गांव में रहने दो। वैसे भी गांव में कई जान पहचान वाले थे, वो उनका ख्याल रख लेते थे, लेकिन फिर भी नीरज के दादाजी को नीरज से सबसे ज्यादा प्यार था। किसी महीने अगर नीरज गांव में नहीं जाता उनके दादाजी से मिलने, तो दादाजी नाराज हो जाते। नीरज को देखे बिना जैसे उनका मन ही नहीं लगता था, और पहली बार नीरज 2 महीने तक गांव गया ही नहीं था। उसके एग्जाम चल रहे थे, एग्जाम की तैयारी के कारण वो गांव नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहां जाने में उसके 1 से 2 दिन निकल जाते, दादाजी रुकने को कह देते, एग्जाम की तैयारी नहीं कर होती। 2 महीने ऐसा ही चला था। दादाजी बार बार कहते कि आजा, मुझे तुझे देखने का मन कर रहा है, लेकिन नीरज नहीं जाता, कहता बस एग्जाम खत्म होने वाले हैं, अभी अगले महीने आ जाऊंगा। नीरज ऐसा ही करता रह गया और उसके दादाजी की मौत हो गई। एक रात वो सोए और सुबह उठ नहीं पाए, और उनके पड़ोसियों को जब इसका पता चला तो उन्होंने नीरज के पिताजी को फोन किया। पूरा परिवार वहां पहुंच गया। उसके बाद नीरज के दादाजी का वहीं पर दाह संस्कार करवाया गया और उनकी अस्थियों को हरिद्वार में बहा दिया गया। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नीरज के दादाजी की मौत के 3 से 4 महीने बाद नीरज को अपने दादाजी की बहुत ज्यादा याद आने लगी। वो कहते हैं ना, जब कोई हमसे बहुत ज्यादा दूर चला जाता है तो हमें उनकी याद आती है, लेकिन जब वो हमारे करीब होता है तब हम उन्हें याद नहीं करते। ऐसा ही हुआ था नीरज के साथ। जब उनके दादाजी दूर चले गए तब उसे इतना ज्यादा बुरा लगने लगा, काश वो एक एग्जाम को छोड़ ही देता, वहां चला जाता, आखिरी लम्हों में अपने दादाजी से मिल पाता। वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगा था, तो उसके पिताजी ने कह दिया, 1 हफ्ता ना गांव में रह, अपना ही गांव है, पहले भी बचपन में खेला करता था, दोबारा जा वहां पर, 1 हफ्ता रह के आ। नीरज मान गया और उसने अपना सामान पैक किया, खाने का सामान लिया और वो उस गांव की तरफ निकल पड़ा। वो घर बिल्कुल साफ था क्योंकि पड़ोसी उस घर की सफाई किया करते थे। वहां पर जब नीरज पहुंचा तो उसे पुरानी यादें आंखों के सामने घूमती हुई नजर आईं। घर की सफाई हो चुकी थी, पहले ही पड़ोसियों को बता दिया गया था कि नीरज आने वाला है, तो घर को खोलकर सफाई कर दी गई थी, हर चीज सही जगह पर टिका दी गई थी। कई चीजें थीं जो पहले की तरह ही नीरज को दिख रही थी। नीरज को लग रहा था जैसे उसके दादाजी अभी किसी कमरे से निकलेंगे और उससे बात करने लगेंगे। उस दिन नीरज ने पीछे उस पार्क को भी देखा था जो उसी घर के साथ लगती थी, और दादाजी वहां पर सफाई किया करते थे। एक तरफ फूल लगे हुए थे
और दूसरी तरफ घास ही घास थी, लेकिन फूलों के पास बिल्कुल घास नहीं थी, जैसे उसके दादाजी किया करते थे। उसके दादाजी हर रोज सुबह घास की कटाई किया करते, मिट्टी से घास को उखाड़ देते ताकि फूल खराब ना हो जाएं। 3 महीने हो चुके थे, पड़ोसियों ने बताया उन्होंने फूलों को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन फिर भी वहां पर घास नहीं थी। तब नीरज को ऐसा लगा था जैसे हालात पहले जैसे ही हैं। उसे अपने दादाजी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और पहला दिन तो पड़ोसियों से मिलने में, पुराने गांव में गए हैं दोस्तों से मिलने में निकल गया। ये पहली रात थी जब दादाजी के पलंग के साथ ही, जहां पर नीरज का पलंग लगा होता था, नीरज आज भी वहीं पर सो रहा था। रात के 11 बजे उसे महसूस हुआ घर के अंदर उसके सिवा भी कोई और मौजूद है। पलंग के हिलने की आवाज जैसे कोई उस पलंग पर बैठता है। गांव में होता है ना वो तार से बना हुआ, रस्सी से बना हुआ पलंग जिस पर बैठने से आवाज आती है, वैसी ही आवाज आई थी। और नीरज उठकर देखने लगा, उसे लगा जैसे इस कमरे में कोई है, कोई दरवाजा खोलकर अंदर आ गया होगा। उसने लाइट जलाई, हर तरफ देखा, दरवाजा बंद था, बाहर से कोई आया नहीं था। अंदर से उसे आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी थी। उसे लगा शायद मन का भ्रम है, उसके दादाजी उससे दूर हो चुके हैं, कभी वो अकेले इस घर में नहीं रहा था, हमेशा उसके दादाजी उसके पास होते थे। तभी उसे महसूस हुआ मन का भ्रम ही होगा ना, कोई यहां अंदर कैसे आ सकता है। वो पलंग पर लेट गया। कुछ समय बाद फिर से वैसी ही आवाज आई पलंग के हिलने की। उसने पलट कर देखा, ऐसा लगा जैसे कोई पलंग पर लेटा हुआ है। कहते हैं ना रस्सी का जो पलंग होता है, जब कोई उस पर लेटता है नीचे की तरफ बैठ जाता है, वो नीचे की तरफ बैठा हुआ था, उसके ऊपर कोई मौजूद नहीं था। नीरज अपनी आंखों से देख रहा था और बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, उस पर कोई है नहीं, वो नीचे की तरफ दबा हुआ है। नीरज आंखें बंद करके सो गया, उसे बिल्कुल आंखें खोलने का मन नहीं था, वो डरा हुआ था। उसे कब नींद आ गई पता नहीं चला, लेकिन सुबह जब उठकर उसे याद आया रात को हुआ क्या था, वो थोड़ा घबराया। उसने पलंग देखा, वो बिल्कुल सही था, नीचे की तरफ बैठा नहीं हुआ था जैसे रात को उसे महसूस हुआ था। उसके बाद उसने पड़ोसियों से बात की, उसने कहा रात को कुछ ऐसा हुआ है, वो थोड़ा डर रहा था, कोई उसे बेवकूफ ना समझे। कहते हैं ना ऐसी घटना किसी को बताओ तो हर कोई कहता है कि आप बेवकूफ तो नहीं हो ना, रात को भ्रम हुआ होगा, ऐसे बताने वाली बात नहीं है। तो उसने बस जरा सी बात की और पड़ोसियों ने कहा हो सकता है भ्रम है। पहली रात ऐसे निकली और दूसरी रात उससे भी डरावनी। दूसरी रात पलंग के हिलने की आवाज तो आती रही, ये तो पहले जैसा ही था, लेकिन आज उसे पलंग पर एक काली परछाई नजर भी आई थी। उसे लगा जैसे कोई पलंग पर लेटा हुआ है और उसकी टांगे कांपने लगी और भागकर उसने सबसे पहले तो लाइट जलाई। वो देखना चाहता था कोई चोर ही तो नहीं पलंग पर लेटा हुआ। जैसे ही लाइट जलाई उसे लग रहा था कोई है, लाइट जलते ही वो गायब, पलंग बिल्कुल ऊपर। और तभी उसे ऐसा लगा पलंग इस तरह से हिल रहा था, कोई उठा है, पलंग हिल रहा था, लाइट जली और पलंग हिला। तब उसे समझ में आ गया था कुछ ना कुछ तो है यहां पर और ये मन का भ्रम नहीं है, पलंग हिल रहा है। अब भी वो उस घर में अब रहना ही नहीं चाहता था। उसने लाइट जलाई, दरवाजा लगाया, घर बंद किया, पड़ोसियों के पास गया। उसने कहा मैं अपने घर में रहने नहीं वाला, मुझे डर लगता है कुछ ना कुछ तो है। तब पड़ोसियों ने कहा था हो सकता है आपने घर में अंतिम संस्कार की पूरी पूजा नहीं करवाई है, आत्मा को पूरी शांति ना मिली हो, अब भी इस घर में तुम्हारे दादाजी की आत्मा भटकती हो। जब नीरज ने यह सुना था उसे लगा हाँ कोई भूत प्रेत नहीं, कुछ और नहीं, इसकी दादाजी की आत्मा ही तो हो सकती है ये। तब वो वापस उसी घर में गया। उनके पड़ोसियों ने कहा था जब कहीं कोई आत्मा नजर आए ना वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन नीरज को लगा अगर आत्मा होती है वो आत्मा ही थी, मेरे दादाजी की ही है, तो वो मुझे नुकसान थोड़े ना पहुंचाएंगे, मैं उनसे बात कर सकता हूं, उन्हें महसूस कर सकता हूं। तब नीरज वापस चला गया था। पूरी रात उसे महसूस होता रहा कोई ना कोई वहां पर मौजूद है, उसे लगा दादाजी हैं। वो वैसे ही उठ उठ कर बातें करता, वो कहता मुझे माफ कर दो दादाजी, मैं आ नहीं पाया, लेकिन आपसे प्यार बहुत करता हूं, आपने जैसा कहा है वैसा ही बनूंगा, आपने पढ़ने के लिए कहा है अच्छे नंबर लेकर आया मैं, आगे भी जिंदगी में ऐसा ही करता रहूंगा। उसके बाद वो पलंग पर लेट गया, उसके साथ वाला पलंग हिल नहीं रहा था, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसके सामने है।
एक काले रंग की परछाई बिल्कुल उसके सामने उसकी तरफ घूर रही थी। आंखें बिल्कुल सफेद और काली परछाई जिसके आर पार नजर ही ना आ रहा हो, बिल्कुल अंधेरे जैसा। जबकि कमरे में नीरज हमेशा छोटा बल्ब जलाकर ही सोता था, पूरे अंधेरे में उसे नींद ही नहीं आती थी। वहां पर वो काली परछाई ऐसी थी जैसे रोशनी को सोख रही हो, सिर्फ आंखें चमक रही थी। और उसे देखकर नीरज इतना डरा कि घर से भाग निकला। रात के 1 बजे पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाने लगा और वहां पर पड़ोसियों को बताया, मेरे साथ ये हुआ है, मैं नहीं जाने वाला, ये मेरे दादाजी नहीं हो सकते, ये कोई और ही है। उसके बाद वो रात नीरज ने उस घर में बिताई थी। उसके बाद नीरज ने कहा कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मैं गांव छोड़ना चाहता हूँ। सुबह उसकी सेहत खराब हो गई थी, पड़ोसी कह रहे थे यहीं रुकना सही है, दवाई लो, थोड़ा आराम करो, फिर चले जाना। नीरज कह रहा था, नहीं, मुझे गांव में रुकना ही नहीं है, ये कुछ है जो मेरा पीछा कर रहा है, मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ कुछ हो ना जाए। बहुत डरावना भयानक चेहरा था वो। इसके बाद नीरज ने अपना सारा सामान इकट्ठा किया, शहर चला गया। लेकिन उस परछाई ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, वहां पर भी वही हाल। नीरज ये तीसरी रात, 2 रात तो उसने उस गांव में बिताई थी, ये तीसरी रात थी उसे वो परछाई अपने बेड के बिल्कुल साथ नजर आई, वो उसके साथ लेटी हुई थी। उसके बाद वो रात को 12 बजे उठकर चीखने लगा, उसके पिताजी सामने, उसकी माताजी बिल्कुल सामने, वो घबराए हुए, हुआ क्या है। तब बताया नीरज ने अपने पिताजी और माताजी को सारी घटना के बारे में। पहले तो उसने कह दिया था, मुझे वहां पर अच्छा नहीं लग रहा, मैं आ गया। वो नहीं चाहता था किसी को डराए, लेकिन अब उसे सब कुछ बताना ही पड़ा। उसके बाद उसके पिताजी घबरा गए कि तेरे पीछे कुछ पड़ गया है जो उस घर से आया है, कौन हो सकता है। नीरज मानने को तैयार ही नहीं कि ये दादाजी की आत्मा नहीं है, ये कोई प्रेत आत्मा है जो उसका पीछा कर रही है। उसके बाद वो एक पंडित जी के पास गए, पंडित जी जो उनके अंबाला शहर में एक मंदिर के पुजारी थे, और उसके पास गए, सारी घटना के बारे में बताया, सारी पूजा विधि पूछी। तो उन्होंने बताया कि आपने गांव में उस घर में पूजा तो करवाई ही नहीं, वहां आपने बस शव को जलाया, अस्थियों को गंगा में बहाया, पूजा पूरी नहीं करवाई, आत्मा को शांति नहीं दिलाई। आपको उस घर में पूजा करवानी चाहिए, मरने के बाद आत्मा उसी घर में वापस आती है, उस घर में पूजा करवाना इसीलिए जरूरी होता है कि वो आत्मा उस घर को छोड़ दे, पंडित जी ने बताया। उसके बाद उन्होंने सोचा 4 दिन बाद वहां पर पूजा करवाती है, और ये 4 दिन इतने लंबे थे, इतने लंबे थे। नीरज हर घंटे धीरे धीरे बीमार होता गया। 2 दिन बाद इतनी हालत उसकी बेकार हो चुकी थी, वो बेड से लग गया था, उठा नहीं जाता था, टांगों में जान नहीं थी, ऐसा लग रहा था कोई बीमारी उसके शरीर पर कब्जा कर रही है। उस पुजारी ने बताया था कि ये आत्मा उसके दादाजी की ही है, और मरने के बाद जो रिश्तेदार होता है वैसे रिश्ते में नहीं रहता, वैसा प्यार नहीं करता, वो जिसे चाहता है वो शक्ति रूप की तरह उसे पाना चाहता है। जैसे मरने के बाद उसके दादाजी नीरज से बहुत ज़्यादा प्यार तो करते थे, लेकिन उन्हें पाना चाहते थे, वो चाहते थे वो भी उसके पास आ जाए, वो भी मर जाए। तब पुजारी ने पूजा करवाई, और 4th दिन जब पूजा करवाई तो धीरे धीरे नीरज का शरीर सुधरा था। उससे पहले तो नीरज ऐसे बीमार हो गया था, दवाई ले रहा था, फर्क कोई नहीं, 4 दिनों में इतना बुरा हाल किसी बीमारी से ऐसे नहीं होता, बिल्कुल स्वस्थ, हर टेस्ट करवा लिया, अंदर कुछ नहीं था, लेकिन बीमार बहुत ज़्यादा, किस कारण पता नहीं। इसके बाद जब पूजा हो गई घर में, उसके बाद नीरज की हालत सुधरने लगी, वो धीरे धीरे ठीक हो गया, वो काली परछाई उसे कभी नज़र नहीं आई। और उसे ये भी पता लग गया कि हमारे रिश्तेदार जब जिंदा होते हैं वो रिश्ते में होते हैं, मरने के बाद एक प्रेत कोई रिश्तेदार नहीं होता, वो प्रेत होता है, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, भले ही कोई उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, भले ही कोई रिश्तेदारी हो, प्रेत का एक ही रिश्ता होता है, वो जिसे पसंद करता है अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। और नीरज के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। कुछ समय तक तो नीरज को लगता रहा उसके दादाजी बुरे थे, लेकिन उसके पिताजी ने समझाया, मरने के बाद प्रेत आत्मा ऐसी ही होती है, तुम्हारे दादाजी अच्छे ही थे, उन्होंने कभी बुरा नहीं किया, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा को इस शरीर को, इस दुनिया को छोड़ना होता है, यहाँ पर जब तक रहती है भटकती है, प्रेत बनकर भटकती है, बुरा ही करती है,
और इस घटना के बाद नीरज को वैसा डरावना एहसास कभी नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। नीरज जी ने अपनी आपबीती हम तक पहुंचाई है। वैसे मैं इस कहानी की पुष्टि नहीं कर सकता कि ये पूर्ण सत्य है या नहीं, लेकिन नीरज जी ने ये इसी तरह शेयर की है कि ये उनके जीवन की सत्य घटना है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। इसी के साथ, अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।